साठगांठ है हम लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। इसीलिए आज देश भर हमारी पार्टी के ओर से तमाम भारत का हर डिस्ट्रिक्ट सदर में ये विक्षोभ समावेश। क्या लगता है कि इसका कैसा असर पड़ेगा हमारे? ये जो असर पड़ेगा ये मोदी अदानी को देश से भगा देंगे, और जो असर पड़ेगा तमाम हिंदुस्तान, ये मुल्क का इतना बड़ा आबादी 140 करोड़, ये आबादी आधार में घुस जाता है। ये बाजार का महंगाई है, ये तमाम हिंदुस्तान का बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, उठा नहीं है पा रहा है, ये अदानी को पूजा कर रहा है ये नरेंद्र मोदी। हम लोग इसके खिलाफ तमाम भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में आज रास्ता। जैसा कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट मांगा था एसबीआई से, एसबीआई ने कहा कि 0.8। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, इसके ऊपर इंस्पेक्शन होने के लिए, इसके ऊपर सच्चाई क्या है इसको निकालने के लिए हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं कांग्रेस की ओर से। आपका परिचय सर? हमारा नाम पलाश भंडारी, हम जिला कांग्रेस का अध्यक्ष। आज यहाँ पे आप क्या करने वाले इस विक्षोभ सभा में? ये विक्षोभ होगा हर जैसा हमारा ऊपर एआईसीसी का और पीसीसी का निर्देश है, वो हम लोग पालन करेगा। इधर विक्षोभ होगा और नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी का कुछ पुतुल हम लोग जलाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय गंगा जी नावत, जय जय गंगा जी नावत, वंदे मातरम। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पेश करने के बाद जिस हिसाब से गौतम अडानी, जो कि मोदी जी के पोषपुत्र हैं एक तरह से, उनके गोद में बैठकर भारत के गरीब कमज़ोर मजलूमों के मेहनत का पैसा जो बैंक से उधार ले लेकर एक नकली व्यवसाय का सिस्टम बना के उसमें गिव एंड टेक कर रहे थे, बैंकों से लाखों करोड़ रुपये उनको लोन मिल गया। एक गरीब बैंक में लोन मांगने जाता है, दुनिया भर के कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन न तो व्यवसाय है, न मटेरियल है, न कैपिटल है, लेकिन उनको अडानी जी को लोन मिल रहा था। तो इसके खिलाफ़ में हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि राहुल गांधी के कहने के मुताबिक नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदारी चोर है। चौकीदारी करते हुए कैसे गौतम अडानी ने इतना रुपया मार लिया? देश के गरीब के लोगों के पास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप का 35% शेयर गिर चुका है। अगर अडानी ग्रुप सही है तो देश के प्रधानमंत्री और उनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं क्यों नहीं एक जेसीबी का ऐलान करते हैं, क्यों ज्वाइंट कमेटी को
बैठा कर क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसके खिलाफ हमारी ये मांग है कि जितने बैंकों ने उनको टाका दिया है, पैसा दिया है उनको उधार, नकली तरीके से कागजात बनाकर गलत तरीके से पैसा दिया गया है, इसके खिलाफ में समस्त भारत में आज हमारा आंदोलन जारी है। और जब तक गौतम अडानी को सही तरीके से कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, इस दलाल बीजेपी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारतीय के नाते मैं भी इस चीज़ को मांग कर रहा हूँ कि अगर हिंडनबर्ग गलत है तो आप जॉइंट कमीशन पार्लियामेंट में बैठाकर इंक्वायरी करवा के हिंडनबर्ग को कोर्ट के अंदर लेकर आइए, उनको भी हम जेल पहुंचाना चाहेंगे अगर हमारे देश के लोग सही है। लेकिन हिंडनबर्ग का अगर रिपोर्ट गलत होता तो देश और दुनिया के इतने बड़े बड़े कंपनी अडानी ग्रुप से अपना पैसा वापस नहीं निकालती, अडानी ग्रुप का शेयर वापस नहीं लेती। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं चोरी में लिप्त है। उसने जालसाजी करके गरीब लोगों का पैसा गमन करने के लिए बैंकों से उधार लिया है। और आप मेरी बात को मान जाइए, जैसे बड़े बड़े नेता के संरक्षण में पहले भी लोग भाग चुके देश छोड़कर, ये अडानी भी बहुत जल्दी अगर जैसे ही 50% से नीचे आया इसका शेयर, ये देश छोड़कर भागेगा क्योंकि इसके पास देने के लिए वापस पैसा नहीं है। इसने पैसे चोरी करके बीजेपी को सरकार चलाने के लिए, बीजेपी को एमएलए एमपी खरीदने के लिए और विरोधी शक्तियों को तोड़ने के लिए, दलाली करने के लिए ये पैसा उगाही करके इसने भाजपा को दिया है। इसलिए भाजपा आज की डेट में कटघरे में है और निर्मला सीतारमण सामने से आकर बचा रही है अडानी को, सिर्फ एकमात्र कारण है क्योंकि दलाली में वो लिप्त हैं। संदीप जायसवाल, सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी।